उतना ही कमाने की इच्छा रखो जितनी आपको आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक कमाने की सोचोगे आप तो मन में फिर एक नहीं अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे, और विकार उत्पन्न हुए तो फिर तुम्हारे फिर डगमगा गई ना हो। तो महाराज जी ये जीवन को पार करने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि भव सागर को पार करना है, 84 लाख योनियों से पार करके प्रभु में समा। राधे राधे दोस्तों, हम आज महाराज जी के सानिध्य में हैं और महाराज जी से बहुत सुंदर बातें होंगी, और श्री गुजरात से गुजराती बाबा जी जो कि हमें कंधकल के पास में मिले हैं महादेव जी के सन्निकट, और महाराज जी से बहुत सुंदर बातें, बहुत दिव्य बातें, और इनके जीवन में और संसार के सभी लोगों के जीवन के तात्पर्य को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और महाराज जी ने बहुत ही सुंदर बातें बताई हमें, आइए जानते हैं। हर हर बाबा जी की जय हो। महाराज जी आप यहीं बैठते हैं इस वृक्ष, नीम के वृक्ष के नीचे, नीम का ही है ना वृक्ष? अच्छा 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 डैंगन है तो डैंगन डैंग बोलते हैं। तो महाराज जी आप कितने सालों से बैठे हैं? तकरीबन 14 साल। 14 साल हो गए तो आपने आपने प्रॉपर संन्यास ले रखा है? हालात ने इस पोजीशन पे लिया के रख दिया जो तुम्हारे बस। नहीं ऐसा होता ना, एक तो अपनी इच्छा से आदमी संन्यास लेके भजन करता है, और एक ऐसा होता है कई इसमें भी कई टाइप्स होते हैं ना संन्यास में, जब कोई कोई बाबा फक्कड़ ब्रह्मचारी ये इस तरीके समझे, शरीर काम करना छोड़ दिया हमारा, यूथ हॉस्टल में कुकिंग का काम करते थे। ओहो क्या बात है। तो फिर हमने बोला चलो अब कुछ नहीं है, आँख से लाचार। अच्छा 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 बैठ गए, सो बैठ गए फिर 14 साल से ही है। हाँ 13 साल तो यही यही जगह यही है या आप चेंज करते रहते हैं? नहीं नहीं कोई चेंज नहीं करी है, यही जगह है और यहीं पे भजन चलता रहता है आपका? हाँ बस सुबह से शाम तक। वैसे बाबा जी ये बताइए मानव जीवन का क्या है, भजन है सार्थक? कई लोग कहते हैं कि भजन करना चाहिए, कई लोग लोते हैं कि मजे लेने के लिए दुनिया में आना है। नहीं 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 भजन तो कुछ लोग तो जीने के लिए खाते हैं और कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं। तो क्या खाने के लिए जीना चाहिए या बस? मेरे को तो लगता है सारी दुनिया खाने के लिए जीती है। जीने के लिए खाना चाहिए, लोग दो निवाला होना चाहिए, सिर्फ जीने के लिए हमारी सांस चलती रहे, हमारी कार्य प्रणाली शारीरिक जो होती है। और जी का क्या करेगा इंसान, क्या लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य वही परमात्मा को पाने का इसको। अच्छा नहीं अच्छा, मानता है व्यक्ति तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से उसको लाने की कोशिश करता है। इधर से थप्पड़ मारी तो इधर घूम गया, और इधर से थप्पड़ मारी इधर घूम गया। वो थप्पड़ परमात्मा की थप्पड़ की आवाज नहीं है, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं है नारायण। तो बाबा जी आपने हॉस्टल में, हॉस्टल की बात कर रहे हैं ना, कुकिंग की है, कितने साल? ये तकरीबन हमने अब इतना तो एग्जैक्टली ख्याल नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ काफी समय करी हमने और उसके बाद संन्यास ले लिया। क्या बात। तो आपको कैसे ज्ञान हुआ कि मुझे जो है अब ज्यादा नौकरी नहीं करनी चाहिए? वहाँ एकांत शांत वातावरण में, एकांत और शांति प्रिय आदमी, शांति प्रिय एकांत चाहिए मुझे, शांत वातावरण में बैठने को चाहिए। तो आपके अभी भी घर परिवार में सब भरे पूरे होंगे? पता नहीं, ये 60 साल हो गया घर छोड़े गए। ओहो हो, और वैसे बेसिकली कहाँ से हैं आप? गुजरात से। वाह वाह क्या बात है। गुजरात तो अपने आप एक धर्म नगरी है, बहुत बड़ी है ना, कुछ ऐसी नगरियाँ हमारे हिंदुस्तान। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो जीवन का अब आपने यही सोचा है कि भजन करते 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 ये शरीर छोड़ देना है? तो आप जो संसार में, महाराज जी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, संसार में जितने भी प्राणी हैं और मैं भी समस्त संसार, जहाँ तक मैं समझता हूँ 90% लोग सिर्फ जीने के लिए कमाते हैं, जीने के लिए खाते हैं, खाने के लिए जीते हैं, क्योंकि सबका देखो मोटिव एक ही होता है, नौकरी करनी, पैसा करना है। क्या करना है? पैसा कमाना है। पैसा किस लिए? घर में लगाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खाने के लिए, बड़ी बड़ी कारों में घूमने के लिए, और भी कई चीज़ें, पर एक भजन को छोड़ के बाकी सारे काम करते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप दुनिया को? हम यही कहना चाहेंगे कि भाई देखो कुछ भी करो लेकिन परमात्मा को कभी मत भूलो, परमपिता परमेश्वर नारायण जो है वही जो करता है वही ठीक करता है,
और ये सारी हकीकत आपको भागवत के अंदर में मिल जाएगी, श्रीमद भागवत गीता का जो बैठती है उसमें मिल जाएगा ज्ञान। मगर जो समझ जो रह जाएंगे वो पा लेंगे, और नहीं समझेंगे वो वापस थप्पेड़ों में घूमते रहेंगे संसार चक्र तोड़ कर। तो कहने का मतलब है ज़्यादा कमाई के चक्कर में नहीं पड़ रहना चाहिए, उतना ही कमाने की इच्छा रखो जितनी आपको आवश्यकता हो, आवश्यकता से अधिक कमाने की सोचोगे आप तो मन में फिर एक नहीं अनेक प्रकार के विकार उत्पन्न होंगे, और विकार उत्पन्न हुए तो फिर तुम्हारे फिर डगमगा गई ना हो। तो महाराज जी ये जीवन को पार करने का सवाल नहीं है, सवाल इस बात का है कि भव सागर को पार करना है, 84 लाख योनियों के पार करके प्रभु में समाना है, सवाल यहाँ है। आजकल के नए यूथ को, ये जो 21वीं पीढ़ी जो चल रही है, आजकल के बच्चों को, आजकल की जनरेशन को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्या करें जीवन में, क्या बढ़े या ना बढ़े, या किस तरीके से जीवन जीना चाहिए, क्योंकि सब ज्यादा टेंशन ज्यादा हो गई है। सबसे बड़ी बात तो टेंशन की वजह फैशन और डिप्रेशन और ये सब, ये वजह क्या है, ये जहाँ ये हाथ में आ गया रगड़ कस जिसको हम बोलते हैं आपके हाथ में, इसी ने सारा संसार के अंदर में सबको बिगाड़ दिया। समझे ना, इसके अंतर्गत बिल्कुल बंद हो जाए या फिर किसी और प्रकार से घुमा दिया जाए, लेकिन ये चीज़ें एकदम नहीं होना चाहिए, और अपने आप को धीरे से लगाना चाहिए मन को शांति जगह पर। कुछ परमात्मा को 24 घंटा है, 24 घंटे के अंदर में आप कुछ समय तो आप इस प्रकार से गुजार देते हो, एक आधा घंटा भी भगवान के नाम का नहीं गुजारते हो, परमात्मा के नाम का नाम नहीं गुजारते हो, आधा घंटा भी गुजारना बहुत जरूरी है। तो टेंशन मुक्त कैसे रहे नया यूथ, आजकल टेंशन बहुत ज़्यादा है। अपने आप को कंट्रोल करें, अपने मन पे कंट्रोल करें। किस बारे में, किस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए? तो आप एकाग्रता में बैठोगे तो अपने आप ही आइडिया लग जाएगा। मनु जियो मैसेज हम देना चाहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर शांत स्वभाव से बैठे, अपनी उलझनों को रखे, धार्मिक रूप से अनुष्ठान करे, कोई ना कोई अपने आप ही शांत हो जाएगा मन। मतलब सारी टेंशन का कारण मन है? मन है। ओ, मन ही घुमाता है। ये मनीराम का इलाज करना पड़ेगा लगता है। है ना, अभी देखो यहाँ शांति से बैठे थे प्रभु, यहाँ बैठे जो कुछ प्राप्त होता होती भगवान सारी व्यवस्था करता है, देख लो ना भी भोजन आपके सामने में आया। अच्छा, इस चीज में आप बिलीव करते हो कि कर्म ना किया जाए तब भी भगवान मनुष्य को जन्म दिया तो उसे पालता है, ऐसा आपका मानना है? क्योंकि कई लोग कहते हैं बाबा जी जब काम ही नहीं करोगे तो भगवान थोड़ी रोटी देने आएगा। ये बात कथन सत्य है, परमात्मा भूखा उठाता है, संसार में भेजता है तो भूखा सुलाता नहीं है, सिर्फ उसका कहना है कर्म कर्म। अभी बैठे बैठे यहाँ बैठे रहते हैं, कहीं नहीं जाते, आते नहीं है, जाते नहीं है, हम बीमार पड़ गए अभी तो हमारी दवाइयाँ अभी परमात्मा ने यहाँ बैठे बैठे ही करवाई सब, यहीं बैठे बैठे, हम कहीं किसी पास नहीं गए, एलोपैथिक दवाई करी नहीं है, सब आयुर्वेदिक दवाइयाँ है। अच्छा, कैसे आप उदाहरण के तौर पर कैसे बताना चाहेंगे कि आपने इसके लिए कोई कर्म नहीं किया लेकिन भगवान जब तक आपको रखना चाहते हैं उसके लिए उन्होंने मेडिसिन भेजी, कैसे? सुबेरे और शाम, शाम का मतलब वही 9 बजे के बाद में, 9-10 बजे के बाद से लेकर जब तक नींद नहीं आती जब तक प्रभु स्मरण गायत्री का जाप करता रहता हूँ। सुबेरे भी पंचमुखी पंचो महादेवता का जाप करते हुए गायत्री का जाप सुबेरे भी होता है, माता का नाम स्मरण माता का भी जाप होता रहता है, समझे ना? जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच ओम ग्लौम हूम क्लीम झूम सह ज्वाल 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 प्रज्वल प्रज्वल ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा विच ज्वाल हंग शंग लंग शंग फट स्वाहा, इसी प्रकार से एक ने अनेक देवी का और देवताओं का जाप करते रहता हूँ, मेरे निरंतर चलता ही रहता है ये। तो महाराज जी ये सूत्र इसका मतलब सही है, संतों ने जो कहा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम और सबके दाता राम, ऐसा कुछ है वो सूत्र, चाहे कुछ भी हो संतों ने कहा उसको मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो अपनी बात करता हूँ जी, समझे ने, मैं अपनी बात करता हूँ, यहाँ संत समाज को बीच में लेना नहीं चाहता हूँ कि कुछ इस प्रकार से कार्य हर व्यक्ति को करना चाहिए जिस वजह से उसको पर्याप्त सभी चीज प्राप्त हो जाए, जैसे आप हमें देख रहे हो समय समय पे आती है आवश्यकता पे सभी कुछ मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, समझे ने, बहुत अच्छी बात है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे ऐसे सूत्र बताए जिनको
यदि मनुष्य अपने जीवन में उतारे उतारना तो चाहे काफी लाभ मिल सकता बहुत है, बहुत लाभ मिल सकता है, बहुत लाभ। टेंशन से मुक्त रह सकता टेंशन है। मुक्त रहेगा, डिप्रेशन मुक्त रहेगा, समझे ना। जितनी अपनी कांटे चुभोगे अपने अंदर में उतना ही तुम्हारे को दर्द ज्यादा होगा। कांटे किस चीज के है? जरूरत के, जरूरत के कांटे। आज मकान हो गया, बोले नहीं एसी लग जाए, फिर बोले कार आ जाए, फिर बोलेगा नहीं अब मेरे को बच्चे इंग्लिश स्कूल। ये कांटे ही चुभ रहा था। सच्चा ज्ञान, सच्चा धर्म, ये सारी चीज अपने ग्रंथों में ही मिलती है, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देता है। सबसे मेन बात तो यही है, अभी खाना है, पेट भरना है, पेट के लिए दो रोटी की आवश्यकता है, मगर वहाँ जरूरी है फिर फाइव स्टार होटल में जाके खाने की? जो 20-40 रुपए में पेट भरता होगा वहाँ क्या जरूरत है 400 रुपया खर्चा करके भोजन करने की? वही भोजन मिलेगा वहाँ भी, वहाँ भी वही मिलना है, वहाँ भी वही मिलना है, मगर वहाँ झूठी शान दिखाने जाते हैं। क्यों अपना सादा सीधा भोजन करे व्यक्ति घर में बैठ कर, तो क्यों नहीं उसका आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाएगी, आधे से ज्यादा बीमारियां समाप्त हो जाएगी। बहुत सही बात करी महाराज जी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका।